थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवेन अ चार्ज क्यू, ठीक है, मतलब इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ला क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ओ इन रिंग रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी इज ई, ए के बी, ए के बी, ए के बी, इसकी वजह से रिंग पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई है, ठीक है, मेरी बात समझे, ए के, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी ऑफ द रिंग। अच्छा ये कह रहा है कि इसकी वजह से बता दो, यहां पर जो ये है बचा हुआ इसकी वजह से ई कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपको, इसकी वजह से कितना दिया है, इससे रेड से किया हूं, इसकी चेंज नहीं हुआ जी, इसकी वजह से क्वेश्चन में खुद दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा नॉर्मली आपको थ्योरी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है जी, वेक्टर। तो आप जब भी देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, आप यहां पर किस कहीं से भी लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए, मान लीजिए ये सेंटर है, यहां से लाइन ड्रॉ करिए, या आप यहां से लाइन ड्रॉ करिए, या आप यहां से लाइन ड्रॉ करिए, कहीं से भी ड्रॉ करिए, मैं अभी दिखाता हूं, यहां से ड्रॉ करिए, अब इतने में समझ जाओगे, मैं कह रहा हूं यहां कहीं से भी लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता हो बताता हूं, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अच्छा जितना इसकी वजह से होगा उतना इसकी वजह से होगा, तो नेट फील्ड यहां पर जीरो हो जाएगा इन दोनों की वजह से, सेम इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर होगा, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देगा, यही कॉन्सेप्ट इसमें है, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, ये भी कैंसिल कर दिया, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तो ये भी कैंसिल कर दिया। अच्छा डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शंस भी ऑप्शन में दिया है कि किधर लगेगा, मेरी बात समझे कि नहीं, बोलो जी, यानी अगर ये कंटिन्यूस पूरा होता तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होता है, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो इस क्वेश्चन में कुछ करना थोड़ी ना है, इसमें बस इतना बताना है कि जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। अच्छा आप ये सिमेट्रिकल बिल्कुल बना हुआ है तो आप देखेंगे तो जो ये वाला पोर्शन है इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा इसकी वजह से इधर लगेगा, इसकी वजह से तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा हमारा, तो इसकी वजह से किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इसकी वजह से किधर लगेगा, इधर। लेकिन ये वाला दिया है, अगर सपोज दैट ये पूरा रिंग हम लेते, पूरा रिंग लेते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, लेकिन हमें जो है सिर्फ इतने पोर्शन की वजह से निकालना है, मेरी बात समझे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर, क्योंकि इसके वजह से जो होता है इधर, समझे कि नहीं। तो बताइए डायरेक्शन आप समझ में आया आपको, बोलो जी, यानी यहाँ ओ है, मैं थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, नहीं हो सकता समझ ना पाओ, ठीक है, बोलिए। अच्छा कितना होगा जो इसकी वजह से होगा, उस इसकी वजह से उतना ही होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि ये तो जीरो हो जा रहा है, यानी इसकी वजह से जो ये पोर्शन है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो होगा, लेकिन होगा कितना, ई होगा, समझे कि नहीं, तो ई होगा और डायरेक्शन ओके होगा, ई अलोंग ओके, डी ऑप्शन करेक्ट।